पूर्णिया क्या पूरे बिहार का स्थिति जो है, ये जो सरकार जो अब बोलता है विकास ही नज़र आता है, यहाँ पर केवल विनाश ही नज़र आता है। तो यहाँ पर से जो हमारा PDA गठबंधन से, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के, हम पूर्णिया सदर विधानसभा से प्रत्याशी PDA गठबंधन से, PDA गठबंधन में मुख्य रूप से यहाँ चार पार्टी कंसेंस में है, और इस चार पार्टी में जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जनाधिकार पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और BMP बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। और हम लोगों का जो नारा है, ये विकास का जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा रोड बना देने से केवल विकास नहीं हो जाता, रोड का विकास तो होना ही है। सरकार को हम जब टैक्स देते हैं तो रोड बनाना है। आज पूर्णिया का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, चाहे जल जमाव हो, चाहे फिर नाला का समस्या हो, ये ड्रेनेज नहीं रहने के कारण ये जो बहुत ज़्यादा ये इस बार का जो यहाँ का जनता है, नगर निगम क्षेत्र का चाहे देहाती क्षेत्र का, सबसे ज़्यादा परेशानी झेलने के लिए मजबूर हो गया। 2 से 3 महीना लोग अपने घर में दुबके रहे। इसके साथ ही हमारा जो बिहार का स्थिति है, वो शिक्षा स्तर बहुत डाउन हो गया है, शिक्षा स्तर में कोई सुधार नहीं है। शिक्षा स्तर में पहले हम लोग भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे, तभी का शिक्षा और अभी का शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ मिड डे मील के नाम पर लोग, सरकार जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चे 11 बजे घर से निकलते हैं, 12 बजे स्कूल जाते हैं, वो जो मिड डे मील खा के फिर वापस चले जाते हैं, और टीचर लोग भी क्या करेगा, टीचर लोग के पास में भी बच्चे लोग मानते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होता है, सरकार का इंट्रेक्शन होता है कि आप बच्चे को मत पढ़ाइए। अगर शिक्षा व्यवस्था पर अगर सुधार किया जाता तो हमको नहीं लगता है कोई टीचर, वही प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उसका शिक्षा 1 लाख रुपया जो है प्राइवेट स्कूल में शिक्षक जो है 10,000-15,000 तो यही देता है, लोग 5-6 शिक्षक रखता है, और वही प्राइवेट स्कूल में 1 से 1.5 लाख रुपया टीचर का वेतन बनता है टोटल से, और यहाँ सरकारी स्कूल में 8 से 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया खर्च करता है सरकार। तो प्राइवेट स्कूल में 1 लाख से 1.5 लाख में जो है पूरा अच्छी शिक्षा प्राप्त लोग कर रहा है, और वही सरकारी स्कूल में पढ़ाई का नदारद है। तो गरीब लोग तो गरीब ही रह गए, अशिक्षा के अशिक्षित तो अशिक्षित ही रह गए ना। पहले भी पिता मूर्ख थे, अब बेटा भी मूर्ख है, आगे पोता भी मूर्ख रहेगा। तो इस पर जो है ये हमारा मुद्दा है। इसके बाद आज स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य पूरा नीचे गिरा हुआ है। स्वास्थ्य जो है सदर हॉस्पिटल में जाइएगा, जो गरीब लोग ही वहाँ पर जा पाते हैं, जो पैसा वाले हैं वहाँ देखते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, इलाज हमारा नहीं हो रहा है, तो लोग अपना रेफर करा के पूर्णिया में हायर सेंटर ले जाते हैं, पटना ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि गरीबों का, जिसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं।